परमेश्वर का एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार के लिए एक निश्चित स्थान पर रहा था। वह एक बहुत अच्छे ईसाई परिवार में रह रहा था। जब वह उस स्थान से जा रहा था तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे मेजबान और परिचारिका के लिए एक संदेश दीजिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए कृपया मुझे एक बहुत अच्छा संदेश दीजिए। प्रभु ने उसे संदेश दिया और वहां था, तुझ में एक चीज की कमी है। परमेश्वर के जन ने कहा, हे प्रभु, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मैं उन्हें ऐसा संदेश कैसे दे सकता हूँ। जितना अधिक वह प्रार्थना करता था उतना ही अधिक उसे एक ही संदेश बार बार दिया जाता था, तुझ में एक चीज की कमी है। लुका 18 अध्याय 11 आयत। अपने मेजबान और परिचारिका से सीधे तौर पर वह बात कहने का साहस उसमें नहीं था, इसलिए उसने इसे कागज पर एक टुकड़े पर लिखा और खिड़की के पर्दे पर चिपका दिया। फिर वह सीढ़ियों के नीचे आया और अपने मेजबान और परिचारिका को धन्यवाद देकर चला गया। उसके जाने के बाद घर की महिला ऊपर गई और कागज का टुकड़ा पाया जो खिड़की के पर्दे पर चिपका हुआ था। उसने ये शब्द पढ़े, तुझमें एक चीज की कमी है, और अपने पति को बुलाया। ये हमारे लिए प्रभु के आत्मिक अंतिम शब्द है, उसने कहा। इसलिए वे दोनों खिड़की के पास घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, हमें ईश्वर के आदमी द्वारा हमारे लिए छोड़े गए इन शब्दों का अर्थ दिखाओ। जब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें इसका अर्थ बताया कि उस दिन तक उनका नया जन्म नहीं हुआ था, परंतु वे अपने ही बल, बुद्धि, धार्मिकता के लिए अपने समय के अच्छे कार्य पर निर्भर थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव करके प्राप्त नहीं किया था। बाहर रूप से वे बहुत अच्छे ईसाई थे, अच्छे कर्मों से परिपूर्ण थे, सभी सभाओं में भाग लेते थे और प्रभु के कार्य के लिए नियमित रूप से अपना पैसा देते थे, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ था। अपनी बुद्धि या अपनी सहानुभूति को आपको धोखा ना दे। हालांकि इब्राहिम को इस्माइल से बहुत प्यार था, फिर भी इस्माइल का परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सा नहीं था। वह तो शरीर से पैदा हुआ था, पर इसहाक आत्मा से पैदा हुआ था। इसहाक के जन्म से पहले ही प्रभु ने इब्राहिम के शरीर में नया जीवन डाल दिया था।